नजर डालोगे हमारा ही चर्चा होगा। ये हाल है इस स्मार्टफोन का। इसके पीछे वजह है गिफ्ट्स बोनस के साथ साथ आपको बता दूं सोनी का सेंसर, अच्छा प्रोसेसर, ये सारी चीजें। वाकई में इस स्मार्टफोन का काफी ज्यादा हाइप बन रखा है। आप जहां भी नजर डालेंगे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप ट्विटर खोलते हैं यहां पर ट्रेंड करता हुआ ये नजर आएगा OnePlus Note 3 E Pro। दूसरा YouTube, Facebook या कोई भी सोशल साइट जहां पर आपको देखते हुए नजर आएगा आपको ये ऑफर, ये प्राइस, ये बेनिफिट या फिर ये प्लस पॉइंट है ये नजर आएगा। पर एक्चुअल में क्या है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या हकीकत है। सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट जानते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 देखने को मिल जाएगा जिसे आप गेमिंग मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे लेवल का कर सकते हैं। बता दूं ये 4nm का चिपसेट बेस्ड होगा। साथ ही बता दूं इसके जो रैम होंगे वो आपको 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम यानी कि 8+8 यानी 16GB हो जाएगा इस वाले रैम इस स्मार्टफोन का। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर LPDDR4X के रैम के साथ में आप 1TB तक का मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे आप कह सकते हैं मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाएगा इस वाले स्मार्टफोन में। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात करते हैं इसका कैमरे को लेकर के, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अजीब और अच्छा भी देखने को मिलेगा। कैमरा आपको 3 आपको सेटअप दिख रहा होगा लेकिन इसमें 2 ही है, तीसरा वाला आपको फ्लैश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कैमरे में आपको बात करें तो सोनी का सेंसर LYT600 देखने को मिल जाएगा जिससे कैम क्वालिटी और बेहतर मिल जाएगा। कैमरा में ब्लर मोड को घटाने के लिए OIS का मोड आपको देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड, अल्ट्रा मोड। और सबसे खास बता दूं इसके जो जूम को लेकर के ना, टेलीफोटो लेंस के साथ साथ आपको बता दूं 20x का फोटो में जूम मिलेगा, 10x का वीडियो में जूम आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर 50+8 बैक साइड में है, फ्रंट में आपको 16MP का मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर के, यहाँ पर AMOLED स्क्रीन 6.7 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। IP54 के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसे आप कह सकते हैं वाटर एंड डस्ट रेजिस्ट होगा, आपको आई मोड वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका बैटरी कैपेसिटी को लेकर के, यहाँ पर 5500mAh का बैटरी के साथ आपको 100W का सुपर वूक चार्ज आपको देखने को मिलेगा जिससे आप कह सकते हैं 30 मिनट में 0 से 100% हो जाएगा, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि फुल डे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिससे बैटरी बैकअप ड्रेन बहुत जल्दी नहीं होंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स को लेकर के, तो डब्बे में आपको चार्जर मिल जाएगा। साथ ही बता दूं ₹2500 का बेनिफिट मिल सकता है, कैसे वो भी जान लीजिए। ₹2500 का स्टूडेंट बोनस मिल जाएगा, ₹2250 का जियो का पोस्टपेड प्लान लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा। और साथ ही बता दूं फ्री में आपको OnePlus का बड्स मिल जाएगा, OnePlus Buds 2R। यानी ओवरऑल कहा जाए तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ क्या कन्क्लूजन निकलता है इस फोन को लेने का, तो मैं बता दूं वैल्यू फॉर मनी होगा ये फोन आपको ₹24,999 में मिल रहा है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन किया जाए इस फोन को तो इस वजह से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ये जाए कि क्यों नहीं लेना चाहिए तो ये 2-3 रीजन हो सकता है। सबसे पहला तो बता दूं FM रेडियो इसमें नहीं मिलेगा आपको, नेटवर्क का बैंड थोड़ा सा कम है, 7 बैंड के साथ आपको देखने को मिलेगा एंड ऑडियो जैक भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आप ओवरऑल कह सकते हैं कि एवरेज वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यहां पर मिलेगा, एवरेज है वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के। लेकिन अगर बाकी चीज देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही हाई लेवल का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। और हाँ, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.4 के साथ साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दूं इसके साथ में आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन था नोट सी